बुढ़ाना के मोताला स्थित एक कृषि केंद्र में कुछ चोरों ने सेंध लगाकर चोरी की थी। इस मामले में बोरखेड़ी पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य 5 चोरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। 5 जून की रात को अज्ञात चोरों ने मोताला स्थित सुरेश हरिदास सदानी के कृषि केंद्र में सेंध लगाई और 3,80,000 रुपए के मूल्य के कपास, सोयाबीन सहित विभिन्न बीज व अन्य सामान चोरी कर लिया। इस मामले की बोराखेड़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने तब आरोपी शेख साबिर शेख अहमद की तलाश के लिए एक विशेष टीम तैनात की। जब वह मलकापुर में चोरी का सामान बेच रहा था, उसने कृषि केंद्र में घुसकर बीज चोरी करने की बात कबूल की है। वारदात में शामिल 5 अन्य आरोपी फरार है और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। दिनांक 7/11 रात्रीच्या वेळेस मोताला बाजारपेठेतील किरायचे कृषी दुकान म्हणून फर्टिलायझरचे दुकान होते, त्यामध्ये बियाणं, इतर खते असं मोठं दुकान व गोडाऊन असं होतं। सदरची घटना 7/11 रात्री साधारण 2 ते 3 दरम्यान ही घटना घडली। त्यात त्यांनी आरोपींनी शटरचे कुलूप तुलून 4 कुलुपे तुलून आत प्रवेश मिळवला व जो बाहेर सीसीटीव्ही होता तो फोडून आत प्रवेश मिळवला। आतील किमती मुद्देमाल, कपाशीचे बियाणं, सोयाबीनचे बियाणं, इतर जिवारीचे मक्याचे बियाणं चोरून नेले आणि सदर बियाणे छोटा ती गाडी होती, त्यांनी गाडी पण आणली होती, गाडीमध्ये भरून सदर माल हा त्यांनी मस्जिद रोडने मलकापूर साईडला नेला होता। आपण जशी माहिती मिळाली तशी सकाळीच आपली टीम गेली व त्या ठिकाणी सीसीटीव्ही फुटेज चेक करणे, इतर गोपनीय माहिती घेणे, त्याद्वारे आपण सीसीटीव्ही फुटेज चेक करून तो गोपनीय बातमी यांच्याद्वारे माहिती घेऊन सदर गाडीचा ट्रेस लावला, तपास लावला, गाडी कुठली आहे, काय आहे, कुठल्या रंगाची आहे, त्यावरून गाडी कुठे गेली असावी व गोपनीय बातमीदारांनी सदरचे आरोपी कोण असावे याची माहिती आपल्याला मिळालेली आहे। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।